वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल UPPCS बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज UPPCS प्री 2024 के लिए हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस को प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रकार के वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल करके पेड कोर्सेज जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चीजों को और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ QR कोड्स दिए गए, आप इनको स्कैन करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आज की क्लास का दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, उन पर आपको विचार करना है और फिर नीचे इसके कोड दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही होगा। देखिए, पहला कथन क्या दिया, सर जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट कौन है? माउंट एवरेस्ट का नामकरण करने वाले व्यक्ति, मतलब जो माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया, भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। ठीक, ये पहला पॉइंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया मतलब SOI जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही है और हमें थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी। देखिए, अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है भारत के पहले सर्वेयर जनरल, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्वेयर जनरल के बारे में। देखिए, जो सर्वेयर जनरल की कहानी शुरू होती है ये होता है 1767 में, 1767 की बात होती है। 1767 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है जेम्स रेनेल, है ना, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जेम्स रेनेल। तो इन्हें सबसे पहले सर्वेयर जनरल बनाया जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो ये जेम्स रेनेल थे। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, इसके बाद ना कॉलिन मैकेंजी, मतलब 1810 का समय आता है, तो 1810 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है कॉलिन मैकेंजी। मैकेंजी उस समय सर्वेयर जनरल थे, वो कहाँ के थे? बंगाल के। इसके बाद ना 1815 में क्या होता है कि ये जो सर्वेयर जनरल का पद था इसे समाप्त करके सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सर्वेयर जनरल पद की शुरुआत की गई। जो सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो मैकेंजी ही बने थे। तो देखिए, सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मैकेंजी थे, है ना, वो पहले थे। तो यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एवरेस्ट थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो एवरेस्ट किस नंबर के थे? ये छठवें नंबर के थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एवरेस्ट थे ये सिक्स नंबर के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा पॉइंट दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है दिल्ली में, तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, ये मुख्यालय देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दूसरा पॉइंट सही है, अतः इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। ठीक, तो यहां से काफी चीजें आपको पता चला। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का नाम दिया गया, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो अगर हम लोग बात करेंगे कलकत्ता गजट, देखिए कलकत्ता गजट जो प्रकाशित हुआ था ये 4 मार्च 1784 या फिर आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1784 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मद्रास कुरियर की अगर बात करेंगे तो मद्रास कुरियर जो प्रकाशित हुआ था ये 1785 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद यहां पर दिया बॉम्बे हेराल्ड, देखिए बॉम्बे हेराल्ड की शुरुआत 1789 में किया गया था और बाद में इसका नाम बदल करके बॉम्बे गजट कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले 1789 में आता है, किस नाम से आता है? बॉम्बे हेराल्ड। इसके बाद 1791 में इसका नाम बदल करके बॉम्बे गजट कर दिया जाता है। तो अगर कभी बॉम्बे गजट लिखे तो भी आपको याद रखना है। और द हिंदू की अगर बात करेंगे तो जो द हिंदू का सब प्रकाशन हुआ था यह 1789 में किया गया था। तो देखिए, यहां पर अब सबको मतलब समय पता चल गया कि किसका प्रकाशन कब हुआ था। अब इसमें सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया था, तो प्रकाशन किया गया था बंगाल गजट का, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और इस मतलब यहां पे देखिए एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया। ठीक, यहां पर पत्रिकाओं या समाचार पत्रों का नाम दिया और यहां पर इसके प्रकाशक कौन थे इनके बारे में जिक्र किया गया। आपको इसका मिलान करना और बताना है कि चीजें कौन सी सही है। तो देखिए, अगर अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो अमृत बाजार पत्रिका की जो शुरुआत की गई थी ये मोतीलाल घोष या शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर, देखिए ये
एक के साथ दूसरा मैच करेगा। जैसे एक के साथ दूसरा मिलेगा, देखिए यहां पर चार विकल्प में से आपके दो विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक के साथ दूसरा नहीं मिला है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहां पर दिया है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, तो यहां पर देखिए ये बी के साथ चार मैच करेगा, जैसे बी के साथ चार मैच करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका उत्तर विकल्प डी बनेगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या चार। देखिए प्रश्न संख्या चार में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर चार की बात किया जाए, दिया है गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया। तो देखिए गोवा, अभी पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वास्को डिगामा 1498 को कोचीन पहुंचा था, फिर वास्को डिगामा के आने पर जमोरिन स्थानीय राजा था। देखिए अब इन तथ्यों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा को ये जो जीता गया था 1510 ईस्वी में पुर्तगाली था, उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। तो अल्बुकर्क क्या करता है, ये गोवा को जीतता, और किससे जीता था इसने, इसने जीता था यूसुफ आदिल शाह से। तो आपको याद रखना है, देखिए अब कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि गोवा को किसने जीता था, तो यहाँ पे इस जीता था अल्बुकर्क ने, किससे जीता था, यूसुफ आदिल शाह से, ठीक। अब ये जीत तो लेता है लेकिन ये क्या करता है, इसको राजधानी नहीं बनाता, राजधानी कौन बनाता है, राजधानी 1530 में उस समय का जो पुर्तगाली वायसराय होता है वो होता है नीनू डी कुन्हा। तो कुन्हा क्या करता है, गोवा को राजधानी बनाता है। तो ये तथ्य यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको 1530 में बनाया गया था जबकि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है 1525 का। वास्को डिगामा, देखिए कोचीन आया ही नहीं था, वास्को डिगामा कहाँ पर आया था, वास्को डिगामा कालीकट आया था। तो यहाँ पर ये तथ्य गलत हो जाएगा। देखिए अब वास्को डिगामा के आने पर जो उस समय का शासक था वो कौन था, वो जमोरिन था, मतलब स्थानीय राजा जमोरिन था। तो ये सही हो जाएगा विकल्प तीसरा, मतलब यहाँ पे ये सही है। तो अगर आप देखेंगे तो केवल तीन, मतलब चार का जो सही उत्तर बनेगा, चार का बी बनेगा, केवल तीसरा सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या पांच। देखिए प्रश्न संख्या पांच में क्या वर्णन किया गया, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डच कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर डच कारखाना के बारे में दिया गया। अब इसमें से देखिए कौन सा कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो अगर डचों की बात करेंगे तो डच ने सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली थी ये 1605 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में खोला गया था। देखिए यहाँ पे 1605 को मसूलीपट्टनम में खोला गया था लेकिन विकल्प में मसूलीपट्टनम दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसके बाद क्या था, 1610 ईस्वी को जो कारखाना खोला गया था ये पुलिकट में खोला गया था। ये देखिए मसूलीपट्टनम है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है पुलिकट, इसके बाद क्या होता है, देखिए सूरत में इन्होंने कारखाना खोला था 1616 में। तो यहां पर देखिए इसमें देखिए मसूलीपट्टनम सबसे पहले, पुलिकट दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर सूरत है। तो यहां पर मसूलीपट्टनम अगर नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट, विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या छह दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए निम्नलिखित कथन में क्या है, ये पूरा कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ तथ्य दिया गया। देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये रहा, देखिए यहां पर दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। देखिए तो आपको पता है कि जो कर्नाटक युद्ध है, तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तीनों कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार, मतलब एंग्लो मतलब जो ये थे अंग्रेज और इसके बाद जो फ्रांसीसी थे, इनके बीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा है ना। जो वांडीवास का युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्वता का विस्तार था। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यूरोप में एंग्लो मतलब अंग्रेज, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वता का विस्तार था। सही बात है। देखिए होता क्या है कि जो ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया में एक राजा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब जो अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति राजा बने वो हमारे पक्ष का हो, और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारे पक्ष का हो, इसको लेकर के दोनों में विवाद होता है यूरोप में। इसके बाद ये सूचना धीरे धीरे भारत में आती है। जब भारत में आती है तो 1746 में क्या होता है कि भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है फ्रांस और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। तो यही आपका बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। आगे दिए पेरिस 1763 की संधि के अनुसार, यहाँ पे 1763 में संधि होती है पेरिस में है ना, तो वहां पर क्या होता है कि अनुसार जो होता है कि फ्रांसीसी केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग कर करने की अनुमति दी गई। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। देखिए ये तथ्य भी सही है क्योंकि जब पेरिस की जो संधि होती है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है 1756 से लेकर के 1763, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर पेरिस की संधि होती है और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि जो फ्रांसीसी हैं अब भारत में सेना नहीं रख सकते। तो ये तथ्य भी सही है। आगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि 1740 से 50 तक थी, तो ये गलत है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर के 1748 तक लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चारों तथ्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो
दूसरा और तीसरा ये तथ्य सही है, बाकी पहला और चौथा गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, पहला नहीं सही है और इसके बाद चौथा नहीं सही है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या सात, प्रश्न संख्या सात में क्या दिया गया, देखिए यहां पर दिया गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, यहां पर पूछा जा रहा है कि आलमगीर जो द्वितीय थे इनके शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी, तो देखिए ये इनके शासनकाल के दौरान नहीं लड़ी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर आगे दिया जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई में मुगल शासक आलम द्वितीय के दौरान में लड़ी गई थी। जो प्लासी की लड़ाई है ये भी देखिए यहां पर भी ये शासक नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक थे, ये बिल्कुल सही है। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, देखिए जो राम मोहन राय जिन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है, इनको अकबर द्वितीय ने उपाधि दिया था, तो ये भी सही तथ्य। तो अगर आप देखेंगे तो सात में कौन कौन सा तथ्य सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तथ्य सही है, तो यहां पर विकल्प बी उत्तर बन जाएगा, तीन और चार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या आठ क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या दिया गया, रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था, ठीक। देखिए जो रोहिलखंड है इसका नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था, ये तथ्य गलत है। रोहिलखंड का नाम रोहिला अफगान जनजातियों के नाम पर रखा गया था, तो इसका नाम फारसी नहीं अफगान के नाम पर रखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला तथ्य दिया बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था, तो जो रोहिलखंड है ना इसी को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था, बुंदेलखंड को नहीं, तो ये भी तथ्य गलत हो जाएगा। वर्तमान बरेली रोहिलखंड के क्षेत्र में, तो देखिए जो वर्तमान बरेली है ना ये रोहिलखंड में, मतलब अगर देखा जाए तो ये रोहिलखंड से अलग उपनगर है, बरेली रामपुर ये सब रोहिलखंड से अलग है। तो यहाँ पर देखिए रोहिलखंड अभी वर्तमान की बात कर रहा है ना, तो यहाँ से वर्तमान में तो है नहीं, यहाँ से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, तो केवल एक दो और तीन इसका उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या नौ, नौ में क्या वर्णन किया गया, देखिए यहां पर दिया राजा सवाई जय सिंह ने खगोली वेधशालाओं का निर्माण नहीं किया था। अब देखिए जो सवाई जय सिंह राजा थे इन्होंने पांच खगोली वेधशाला का निर्माण किया था, तो ये वेधशाला कहां कहां स्थित थे, दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा और उज्जैन में, पांच जगह किया था। देखिए दिल्ली है ना, जयपुर बनारस मथुरा और उज्जैन, ये पांच जगह इन्होंने किया था। देखिए यहां पर जयपुर दिया तो यहाँ पे वेधशाला बना था, मथुरा में वेधशाला बना था, बनारस मतलब वाराणसी में बना था, तो ग्वालियर में इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं किया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, देखिए इस वेधशाला को पढ़ने के लिए जिज मोहम्मद शाही नाम का इन्होंने टाइम टेबल भी तैयार किया था, जिज मोहम्मद शाही, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था, तो ये बात सही है, आसफ उद्दौला ने 1784 में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, तो ये सही है, ठीक। देखिए जिज मोहम्मद शाही का निर्माण भी आसफ उद्दौला द्वारा करवाया गया था। देखिए अभी अभी आपने पीछे देखा था कि जिज मोहम्मद शाही का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, ये सही तथ्य है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। आगे गुलाबी सर, जो पिंक सिटी है ना, पिंक सिटी को भी इन्होंने ही बसाया था, यहां पर ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, देखिए पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही, तो पहला तीसरा चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 में क्या दिया, सूची एक में शासक का नाम रखा गया और सूची दो में राजधानी का नाम रखा गया, अब आपको इसको मिलाना है। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अचिन किली चखान है ना, अब मान के चलिए इसका इसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक। तो इसमें क्या करना, देखिए जसवंत राव होलकर, अगर होलकर की बात करेंगे तो होलकर इंदौर के शासक थे, तो जसवंत राव होलकर आप इंदौर पे मैच करेंगे तो बी के साथ मैच होगा एक। देखिए बी के साथ मैच होगा एक, तो यहाँ पर ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए अब आगे देखेंगे, देखिए माधवराव सिंधिया, सिंधिया कहां के शासक थे, सिंधिया शासक थे ग्वालियर के, तो आपका जो सी होगा ये मैच करेगा चार से, जैसे सी को आप चार से मैच करेंगे तो ये भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए बात की जा रही है सरफराज खान, सरफराज खान कहां का शासक था, ये बंगाल का शासक था, जैसे सरफराज खान को आप बंगाल के साथ मिक्स करेंगे तो डी के साथ कौन मैच हो जाएगा, दूसरा, और यहां पर देखिए आपका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 12, 12 में दिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर कुछ कथन दिए गए और इनके बारे में इन पर आपको विचार करना है और कौन सा सही होगा आपको यह भी बताना है। देखिए मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार
मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए मीर कासिम जो उस समय था, उस समय बंगाल की राजधानी थी, उसने मुर्शिदाबाद से कहां कर दिया था, मुंगेर कर दिया था। तो देखिए ये तथ्य यहां पर सही है, ठीक है, इसने राजधानी मुंगेर कर दिया था। बक्सर की लड़ाई, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, कि संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ना, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, है ना, इसमें क्या होता है कि तीन लोग हिस्सा लिए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तीन लोग थे, एक कौन था, एक मीर कासिम थे, दूसरा सुजाउद्दौला थे, और तीसरा उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे। तो आपको कमेंट करके बताना कि मुगल बादशाह उस समय कौन थे, है ना। तो ये तथ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि जब बक्सर के का युद्ध हुआ था तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव था इसका शासन दो समय चला था, 1757 से लेकर के 60 तक चला था, और इसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक चला था। तो देखिए यहाँ पे बक्सर की लड़ाई कब हो रही है, 1764 में हो रही थी, इस समय रॉबर्ट क्लाइव का शासन नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सिर्फ विकल्प ए सही होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था, यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इनको आपको ध्यान से देखना है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बताना है। हैदर अली ने अपना कैरियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था। देखिए ये तथ्य बिल्कुल सही, अगर हैदर अली की बात करेंगे, इसने बाद में मतलब मैसूर साम्राज्य का शासक बना थे, ठीक है। और मैसूर के साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो एंग्लो फ्रेंच मतलब एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, चार एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, इसमें दो एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली लड़ता है, दूसरे में इसकी मृत्यु होती है। तो ये सही बात है, इसने अपने कैरियर की शुरुआत घुड़सवार के रूप में किया था। डिंडीगुल अब जो कि तमिलनाडु में आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। तो देखिए हैदर अली अंग्रेजों से मदद नहीं लिया था, इसने फ्रांसीसियों से मदद लिया था उस समय, तो ये तथ्य यहाँ पर गलत है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आगे अगला पॉइंट है, मराठों ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, ये सदाशिव राव भाऊ ये मराठों की तरफ से और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था उन दोनों के बीच में हुआ था। तो इसमें ये प्रश्न इसका जो सही उत्तर होगा बी बनेगा, पहला और तीसरा दोनों सही है। चलिए तो आज की ये क्लास रही, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं।